ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। मैं हैरान हूँ जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। मैं मानता, मुझे दिखता था वो 500 साल का संघर्ष, मुझे दिखता था 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा, सपने, और देश के गरीब गरीब लोगों ने पाई पाई देकर के मंदिर बनाया है। पहली बात है कि इसका राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते थे, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की, न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। दूसरा, इनकी प्रकृति, आप सोमनाथ मंदिर से लेकर के अब तक की घटनाएं देखिए, वे भारत की मूलभूत आस्था है, भारत का मूलभूत जो पिंड है उसके प्रति नेगेटिविटी लेकर के ही देश में वो अपनी बात है। सोमनाथ मंदिर को क्या प्रॉब्लम था, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जाना था, वहां तो न जनसंघ था, न भाई साहब था, न आ रहे थे, न कोई लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जाने। वो जो नेहरू जी की जो चिट्ठी थी, हाँ। जो भी है, अब ये और ये वो परंपरा आज भी चल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं, आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दें, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो, हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या?